हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे टेस्टी आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम पर सुपर टेस्टी ये आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी आलू गोश्त की रेसिपी को आप बार बार बनाएंगे। बहुत ही आसान और सुपर टेस्टी है ये। आप इसे नान, रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये आलू गोश्त बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम मटन लिया, इसे धोकर अच्छे से इस तरह से साफ करके रख लिया है और इसमें ऐड करने के लिए 3 मीडियम साइज के आलू को इस तरह से 20 से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज के प्याज को भी इस तरह कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर है। एक कुकर लेंगे, इस कुकर में आधा कप तेल ऐड कर देंगे और तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें आधी टीस्पून जीरा, 4 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 काली मिर्च, 4-5 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते इसमें कट करके ऐड कर देंगे। सारे मसालों को तेल में ऐड करेंगे और 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद कटी हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे और प्याज ऐड करके इसे भी अच्छे से चलाएंगे। प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, प्याज को इस तरह से हाफ फ्राई कर लेंगे। प्याज जब इस तरह से फ्राई हो जाए तब इसमें ऐड कर देंगे मटन। मटन ऐड करके गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर मटन को 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके मटन को बनाने से मटन का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मटन को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए 5 मिनट में मटन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका, अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो चुका, इसे भी अच्छे से चलाएंगे। अब इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसे छोटे टुकड़ों में कट किया था। टमाटर को भी अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें और नमक ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। टमाटर को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई कर लिया। ये देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके। अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और आधी टीस्पून से कम यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले ऐड करके मटन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मसालों को थोड़ा सा यहाँ फ्राई भी करना है तो इस तरह से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। मसालों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मसाले काफ़ी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई हो चुके, इसे हम दोबारा चलाएंगे। तो इस तरह से मटन और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लें। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे। इससे मटन करी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 100 ग्राम ये फिटा हुआ दही है, इसको भी मटन में ऐड कर देंगे। फ्राई की हुई प्याज और दही को मटन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2-3 हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दें। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं इसको भी मटन में अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। प्याज और दही अच्छे से 2 मिनट फ्राई हो चुके, इसे हम दोबारा चलाएंगे। तो इसी तरह से आपको सारे मसाले और दही प्याज अच्छे से फ्राई कर लेना है। मटन को पकने के लिए इसके बाद 250 ml पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से मटन में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम पहले मटन को पकाएंगे, उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। कुकर की लीड लगाकर मटन को मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी लगाकर पकाएंगे। कुकर को अच्छे से ठंडा कर लिया है। 4 सीटी आने के बाद इसमें अब आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करके इसे भी मटन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मटन के साथ मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके, मटन के साथ आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो आलू को पकने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ पर मैं 200 ml पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से चलाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पानी नहीं ऐड किया, सिर्फ 1 सीटी लगाकर आलू को हम पकाकर तैयार कर लेंगे। 1 सीटी आने के बाद कुकर को अच्छे से ठंडा करके ही इसे खोलना है।
कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका था। एक सीटी आने के बाद आधी टीस्पून गरम मसाला और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दें। ये लीजिए बहुत ही कम टाइम पर सुपर टेस्टी और लाजवाब आलू गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। तो आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से एक बार आलू गोश्त की रेसिपी जरूर बनाएं, सभी को बेहद पसंद आने वाली है। आप इसे नान, रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। आपको ये आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।